गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा बच्चे वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रहेगा। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और इसकी जो वेटेज है नीट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम डाइजेशन के अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड रहेगा। तो आपके सामने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो आपको पैटर्न बताएगा बच्चे कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम शुरुआत करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है डियर स्टूडेंट, क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए देखनी है आपको? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए देखना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है बच्चे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको बॉक्स के अंदर मैं 3 से 4 वर्ड आपको बता रही हूँ बच्चे, जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द 90 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के अंदर करेक्ट, इनकरेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू, डिवॉइड, ये कुछ वर्ड्स जो नीट आपसे पूछता है और आपके क्वेश्चन को लेवल जो है वो मॉडरेट, हाई और मीडियम डिसाइड करता है। वो वर्ड्स कौन से डियर स्टूडेंट? करेक्ट, इनकरेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू, विद रेफरेंस टू, डिवॉइड, लैक। ओके, दीज आर द सम टर्म्स जो आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चे वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, ईलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर चलते हैं। ये आपका डायग्राम है, ओके, हेयर इजोफेगस इज प्रेजेंट, दिस इज स्टमक, जे शेप, हेयर इज द लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड हेयर इज पेनक्रियास एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, इज इट क्लियर? ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग 3 पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज डियोडीनम, ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, डियोडीनम, यू शेप, लिसन केयरफुली बच्चे, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? डियोडीनम, जो यू शेप होता है, ओके, सेकेंड पार्ट जे जे नम, जे जे नम एंड थर्ड पार्ट इज ईलियम, दिस इज जेजेनम सेकेंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट ईलियम। ओके, अब यहां पर आपके पास स्टेटमेंट क्या थी? ईलियम ओपन्स इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, इट मीन्स ईलियम ओपन्स इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नो बच्चे, ईलियम किस चीज का पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बट इट ओपन्स इंटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हेयर ईलियम ओपन इंटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर आपकी जो स्टेटमेंट गिवन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहां पर? ईलियम ओपन इंटू द लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? ये आपकी स्टेटमेंट गलत होगी, करेक्ट नहीं है, क्योंकि ईलियम किस में ओपन होता है डियर स्टूडेंट? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था बच्चे, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या ओपन हो रहा है आपका? ईलियम ओपन हो रहा है, ईलियम, इज इट क्लियर? इट मींस आपकी जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट आपकी फॉल्स है,
Second, serosa is the innermost layer of alimentary canal. This is also false statement because serosa is the outermost layer of alimentary canal. Okay, और आपको question में क्या given था बच्चे? Innermost, तो ये statement भी आपकी क्या हो जाएगी? False statement. Okay, next, ileum is highly coiled. आप देख रहे हो diagram में जो third part है small intestine का, ये सबसे ज्यादा coiled है. Coiled means आप एक spiral shape में उसकी movement देख रहे हो, सबसे ज्यादा coiling किसके अंदर है बच्चे? ईलियम के अंदर है. तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या बनती है? करेक्ट. डी ऑप्शन देखिए बच्चे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम डियोडिनम. डियोडिनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज प्रेजेंट एट द सीकम. हेयर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है बच्चे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है बच्चे? रोंग. क्योंकि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहां प्रेजेंट है? सीकम. एंड इट इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इज इट क्लियर? इट मीन्स यू कैन से दैट यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी क्या बनती है? ईलियम इज हाईली कॉइल्ड. ओके, फर्स्ट के अंदर ये रोंग क्यों है? क्योंकि यहां पर स्मॉल के लिए क्या आएगा डियर स्टूडेंट? लार्ज. ओके, यहां इनर मोस्ट के लिए वर्ड क्या आएगा बच्चे? आउटर मोस्ट. इज इट क्लियर? और यहां ड्यूडेनम के लिए क्या आएगा बच्चे? सीकम. और ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली 2020 के अंदर आपका नीट के अंदर ये एग्जाम में आया था बच्चे. तो यहां पर बच्चे क्वेश्चंस कैसे मिस्टेक करते हैं? क्योंकि हम यहां पर ये चेक नहीं करते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. और बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी बहुत ही रेफरेंस बुक आपकी मानी जाती है. तो यहां पर आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि स्टूडेंट्स करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, डिवॉइड लिखा है, लैक लिखा है या विद रिस्पेक्ट टू. ओके, नाउ वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव, विद देयर रिस्पेक्टिव. ओके, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है डियर स्टूडेंट? विद रिस्पेक्ट टू. अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, आपको ये कुछ टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर करनी है और ये टर्म्स पे ही मैंने आज का टॉपिक रखा है. क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर जो स्टेटमेंट गिवन होती है वहीं से आपके नीट के क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं. तो यहां पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन, सेकेंड ग्लेसन कैप्सूल दैट इज ड्यूओडेनम, isolate of Langerhans that is small intestine and fourth is Brunner gland that is liver. तो यहाँ पर कौन सी statement correct होगी with respect to? तो यहाँ पर आपको with respect to क्या given है बच्चे? Location. किस चीज की location? Organs की location. किस चीज की location dear student? Organs की location. तो यहाँ पर हम first से start करते हैं COL. इसको हम कैसे learn रखेंगे? Listen carefully. C, क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन. तो डियर स्टूडेंट यहां पर कुछ एनसीईआरटी के अंदर आपको ये वर्ड्स मिलेंगे ग्लीसन, आइसलेट, ब्रूनर. जहां पर भी बच्चे ये आपको वर्ड्स मिलते हैं सबसे पहले आपको क्या लर्न रखना है? ये किस नाम पर है? साइंटिस्ट के नेम पर है ये वर्ड. किसके नेम पर है? साइंटिस्ट के नेम पर, कि जिसने इसकी डिस्कवरी की है उसी के नेम पर हमने इनको पुट किया है. तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन पे. तो यहां पर मूव करते हैं बच्चे हम एक फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन. फर्स्ट इज क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन. लिसन केयरफुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये आपका. और यहां पर आप चेक करना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द विलाय. ओके, विलाय, एट द बेस ऑफ विलाय, एट द बेस ऑफ विलाय, विलाय के बेस पर आपको जो स्पेस ओपन है बच्चे, दिस स्मॉल स्लिट लाइक
space is called COL. COL, COL stand for crypts of Liberkun. It means यहाँ पर space के लिए ही word क्या लगाया बच्चे आपने, crypts. और scientist के name पर word क्या बनेगा, Liberkun. Is it clear? ये कहाँ पर present होते बच्चे, at the base of villi. Okay, और villi कहाँ present होती है dear student, intestine. विलाई कहां पर प्रेजेंट होगी डियर स्टूडेंट, इंटेस्टाइन. अब आप मैच कर सकते हो कि जो क्रिप्ट ऑफ Liberkun है वो किसके साथ मैच होगा बच्चे, इंटेस्टाइन के साथ मैच होगा. इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी मूव ऑन अनदर. अनदर टर्म दैट इज गिवन, second is given, that is Gleason capsule. That is Gleason capsule. First आपको match करना है बच्चे, आपको अभी मैंने सिखाया है कहां पर present है, small intestine. Okay, present कहां होगा, villi small intestine के अंदर. Okay, तो next है बच्चे Gleason capsule. Gleason capsule match with लीवर. अब लीवर के साथ कैसे बच्चे, यहां पर आपके सामने मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं. लीवर हैविंग द टू लोब्यूल, यू कैन से दैट लोब्यूल. लीवर के बच्चे दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. और यहां पर ये जो आपका राइट और लेफ्ट पार्ट है, इनको कनेक्ट करने का जो एक थिन कनेक्टिव टिश्यूज के सराउंडिंग में इनको ज्वाइन करने के लिए प्रेजेंट होती है डियर स्टूडेंट, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं Gleason कैप्सूल. ओके, एंड दिस वर्ड इज गिवन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नेम. इट मींस यू कैन से दैट यहां पर Gleason कैप्सूल क्या है बच्चे, थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर which join the lobule of liver. Is it clear? Okay, I think so. आपको clear होगा कि यहां पर जो liver है उसके दो lobe present है, right and left. तो each lobule is connected with the help of Gleason capsule. This is the thin connective tissue layer. Okay, now we move on third option, islet of Langerhans. बच्चे ये most important terms आपको given है बच्चे इस question के अंदर. Okay, तो यहां पर islet of Langerhans इसको हम match करते हैं, at present in pancreas. Pancreas most important question है बच्चे, pancreas. हम pancreas पे diagram draw करके एक्सप्लेन करते हैं बच्चे, पेनक्रियास. ओके, पेनक्रियास इज द एसेसरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. You can say that also digestive gland. Okay, pancreas. Okay, तो यहां पर हम pancreas के अंदर islet of Langerhans की बात करते हैं. Islet से क्या समझते हो dear student? Pancreas के अंदर बहुत सारी cell present होती है dear student. Pancreas form two parts. First is exocrine, second is endocrine. Okay, most important digestive gland hai bachche aapke, exocrine and endocrine. Out of 100%, dear student, out of 100, 99% part is exocrine, only 1% is endocrine portion of pancreas. Okay, it means yahan par ye jo cell present hai dear student,
अल्फा बीटा डेल्टा एंड पीपी सेल. This cell is called endocrine portion of the pancreas. It means you can say that alpha, beta, delta and PP. PP stand for polypeptide, pancreatic polypeptide. Okay, these four cells combined together, they form endocrine portion. And always remember, endocrine portion always secrete hormone. Endocrine portion always secrete hormone. It means you can say that जो pancreas का 1% part मैं आपके सामने बता रही हूँ बच्चे, that is endocrine. तो endocrine के अंदर आपके क्या secrete होंगे? Hormone. अब remaining जो portion है बच्चे, that is exocrine. Exocrine of the pancreas secrete enzymes. And this arrangement of cell, these arrangement of cell called islet of Langerhans. Okay, आप ये जो देख पा रहे हो बच्चे, ये जो last में बाहर आपको outer में cell appear है, that is the exocrine portion. That is the exocrine. और जो इनर वाली सेल है बच्चे, ये सारा आपका इनर वाला जो अल्फा बीटा डेल्टा है, ये आपका क्या है? एंडोक्राइन पोर्शन है. ओके डियर स्टूडेंट, इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आइसलेट ऑफ Langerhans. इट मींस यू कैन से दैट कि पैनक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन होगा. एक्सोक्राइन के अंदर आपका 99% वेटेज आएगी और 1% आपका एंडोक्राइन. इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? Islet of Langerhans. Most important है बच्चे, ये relevant question है बच्चे, it may be asked in the next NEET examination. Okay, islet of Langerhans pancreas, it means you can say that arrangement of cell is known as SNE. SNE is the supporting cell and you can say that secreting cell. ओके तो पैनक्रिएटिक, इट मींस यू कैन से दैट पैनक्रिएटिक एसिनी फॉर्म द आइसलेट ऑफ Langerhans. ओके एसिनी इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल विच हेल्प इन द सिक्रीशन एंड स्पोर्टिंग. ओके तो इट मींस यू कैन से दैट एसिनी ऑफ पैनक्रियास फॉर्म द आइसलेट ऑफ Langerhans एंड आइसलेट ऑफ Langerhans इज द ग्रुप ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पोर्शन. इज इट क्लियर? इट मीन्स यू कैन से दैट यहां पर हम क्या मैच करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के अंदर? आइसलेट. ओके आइसलेट ऑफ Langerhans को हम किससे मैच करेंगे डियर स्टूडेंट? पैनक्रियास से. ओके पैनक्रियास, तो यू कैन सी दैट क्रिप्स ऑफ Leiberkund. अभी हमने पढ़ा था बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लिसन कैप्सूल, लीवर, आइसलेट ऑफ Langerhans पैनक्रियास. दैट इज द लास्ट, दैट इज द ब्रूनर ग्लैंड एंड ब्रूनर ग्लैंड गोज टू ड्यूओडेनम एंड ड्यूओडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ब्रूनर ग्लैंड. तो ब्रूनर ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूओडेनम के अंदर. ड्यूओडेनम, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ब्रूनर ग्लैंड इज आल्सो नोन एज ड्यूओडेनल ग्लैंड. ड्यूओडेनल ग्लैंड. ओके तो यहां पर हम किसको बोलेंगे बच्चे? ब्रूनर ग्लैंड को. ब्रूनर ग्लैंड साइंटिस्ट के नाम पर है डियर स्टूडेंट, ब्रूनर. तो ब्रूनर को हम क्या बोलते हैं? ड्यूओडेनल ग्लैंड ऑल्सो. इज इट क्लियर? बिकॉज इट प्रेजेंट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, दैट इज द
डिओडिनम। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट, डिओडिनम की कैसे प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हम डायग्राम से देखें मुझे, दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइन, हेयर द क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन इज प्रेजेंट। यहां पर बच्चे एट द बेस ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन मैनी ब्रूनर ग्लैंड इज प्रेजेंट एंड दे ओपन इन टू द क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन। तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ब्रूनर ग्लैंड। ब्रूनर ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, दे सिक्रीट नॉन एंजाइमेटिक पोर्शन, नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन, ओके, इट मींस यू कैन से दैट ये कैसा मीडियम प्रोवाइड करेगी बच्चे, एल्केलाइन। अब ड्यूडिनम के अंदर आपको पता है स्टमक से जब HCl आएगा तो ड्यूडिनम की जो वॉल है उसको प्रिवेंट करना HCl से, वो किसका फंक्शन होगा बच्चे, ब्रूनर ग्लैंड का, ओके। तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पर बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कौन से पोर्शन में, ड्यूडिनम में, और इसका सिक्रीशन कैसा होता है, नॉन एंजाइमेटिक, इसका मतलब यहाँ पर एंजाइम्स नहीं होंगे, और ये जो सिक्रीशन देती है बच्चे ये किसके अंदर जाता है सिक्रीशन, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन, COL, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन। इसका मतलब यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चे, ए पोर्शन क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन इज गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, एंड ग्लिसन कैप्सूल गोज टू लीवर, आइसलेट ऑफ लेंगर गोज टू पैनक्रियाज एंड ब्रूनर ग्लैंड्स, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बच्चे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, कैसे फॉर्म में, एक एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया उस फॉर्म में, ओके। नाउ वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द डेंटिशन, लिसन केयरफुली बच्चे, ह्यूमन डेंटिशन। अब यहाँ पर हम ह्यूमन डेंटिशन की बात कर रहे हैं तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लर्न करना है, डेंटिशन क्या है, डेंटिशन इज द अरेंजमेंट ऑफ टिथ, टिथ की अरेंजमेंट कैसी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है बच्चे, फर्स्ट आपको लर्न करना है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ओके, एंड द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट के ऊपर हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अटैचमेंट, टिथ की अटैचमेंट, जो आपका जो टिथ है, टिथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जाबोन, जाबोन अपर जाबोन एंड लोअर जाबोन, इट मीन्स दिस काइंड ऑफ डेंटिशन इज नोन एज थीकोडोंट, थीकोडोंट ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। तो थीकोडोंट की डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चे, टूथ इज एम्बेडेड इन टू द सॉकेट ऑफ जाबोन, ये अटैचमेंट के बेस पे, तो यहां पर थीकोडोंट। ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस, अपियरेंस मोस्ट ऑफ द जो मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स है बच्चे, वो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर टू टाइप के टिथ की अरेंजमेंट अपियर होगी, फर्स्ट इज मिल्क टिथ, ओके, इट मीन्स यू कैन से दैट टेम्पररी टिथ, एंड मिल्क टिथ इज रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टिथ, ओके, परमानेंट टिथ, इट मीन्स यू कैन से दैट यहाँ पर दो टाइप के टिथ की आपकी अपीयरेंस अपीयर होगी, दैट्स वाई यहाँ पर हम जो टर्म यूज करेंगे बच्चे इसके लिए, डाई, डाई मीन्स टू, टू टाइप की अपीयरेंस है, डाई फायोडोंट, डाई फायोडोंट, ओके, एंड थर्ड बच्चे यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो डाई फायोडोंट के अंदर आपको क्या लर्न रखना है, मिल्क टिथ एंड परमानेंट। तो ह्यूमन के केस में दो टाइप के टिथ की अपीयरेंस होगी, मिल्क टिथ एंड परमानेंट टिथ, मिल्क टिथ ऑल्सो नोन एज डेसिड्यूअस, ओके, परमानेंट टिथ, ओके, तो परमानेंट टिथ इज ऑल्सो नोन एज अडल्ट,
अडल्ट टीथ. ओके, तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, थिकोडेंट, डाइफायोडेंट एंड लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यहां पर हम जो टर्म यूज करेंगे बच्चे, दैट इज हेट्रोडोंट. दैट इज हेट्रोडोंट. हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप. द वर्ड हेट्रो रिप्रेजेंट द डिफरेंट. द वर्ड हेट्रो रिप्रेजेंट द डिफरेंट. इट मीन्स यू कैन से दैट हेट्रोडोंट में डिफरेंट टाइप्स के टीथ के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस डेंटिशन को हेट्रोडोंट. यहां पर जो डिफरेंट टाइप के टीथ्स होंगे बच्चे, वो टीथ्स कौन से होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर. ओके, दैट्स वाई वी कैन से दैट थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट इज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन डेंटिशन. ओके, इट मीन्स यू कैन से दैट सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द नेक्स्ट, दिस इज द करेक्ट. एंड द नेक्स्ट टर्म दैट इज द प्लूरोडोंट. ओके, आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आना चाहिए. ठीक है, तो प्लूरोडोंट आपने यहां पर सुना होगा, प्लूरोडोंट. प्लूरोडोंट इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ डेंटिशन बट नॉट प्रेजेंट इन टू द ह्यूमन बींग. इट प्रेजेंट इन टू द रेप्टाइल्स. ये किस में प्रेजेंट होता है डे स्टूडेंट, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है. ओके, तो यहां पर ये ऑप्शन इसलिए हमारा क्या था, इनकरेक्ट था. ओके, तो मेन हमारा करेक्ट क्या है, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट. ओके, नाउ वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अ बेबी बॉय एज्ड 2 ईयर्स. अ बेबी बॉय एज्ड 2 ईयर्स. लिसन केयरफुली बच्चे. बेबी एज 2 ईयर्स इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू अ डेंटल चेकअप. द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट बॉय हैड 20 टीथ. हाउ मेनी टीथ, 20 टीथ. ओके, विच टीथ वर एबसेंट. ओके, तो यहां पर 3 टर्म्स है बच्चे, आपको ये लर्न रखना है. 2, एज कितनी दी है, 2 ईयर. ओके, यहां पर कितना टीथ की, टोटल टीथ कितने अपीयर हुए डेंटिस्ट को, 20. एंड नेक्स्ट आपको यहां पर किस चीज की एब्सेंट देखनी है, कौन सा टीथ एब्सेंट है. तो सबसे पहले हमें डेंटल फॉर्मूला आना चाहिए. डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ह्यूमन बींग का. ओके, यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं डेंटल फॉर्मूला. डेंटल फॉर्मूला दैट इज 2, 1, 2, 3. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. इसको आप कंप्लीट को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो जो आपको टिथ अपीयर होंगे बच्चे, वो आपके अपर और लोअर जाके कंबाइंड टिथ अपीयर होंगे. बट यहाँ पर एज क्या है बच्चे, 2 ईयर्स. तो 2 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पर अलग से फॉर्मूला लर्न करना है. दिस डेंटल फॉर्मूला फॉर द अडल्ट, अडल्ट ह्यूमन. एंड वी गेट 32 टिथ. यहाँ से हमें कितने मिलेंगे बच्चे, 32. ओके, तो यहाँ पर एज है 2 ईयर्स. तो यहाँ पर कौन सा टिथ अपियर नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या लर्न रखना है, फॉर्मूला क्या रहेगा यहां पर, 2102. इट मींस फर्स्ट इज इंसीजर, सेकंड इज कैनाइन एंड थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 2 से, तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, 2 2 4. इट मीन्स यहां पर 4 आपके अपर जाम में और 4 आपके लोअर जाम में. इट मीन्स यू कैन से दैट इंसीजर कितना हो जाएगा, 4 + 4 = 8. 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8. ओके, कैनाइन, कैनाइन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2 एंड 2 1 = 2. इट मीन्स 2 + 2 यू गेट 4. ओके, यहां पर 2 2 = 4. 2 2 = 4. इट मीन्स यहां पर आपके मोलर कितने हो जाएंगे, 8.
4 plus 4 and you can sum total 8 plus 8 16 and 16 plus 4. अपर और लोअर जॉ में कितने होंगे बच्चे 20. तो यहां पर कौन सा टिथ एब्सेंट है, लिसन, टिथ कौन सा एब्सेंट है बच्चे, प्रीमोलर. तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या रहेगा, प्रीमोलर, ऑप्शन बी. तो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था बच्चे, आपको एज लर्न रखनी है. अब एज आप ऐसे तो लर्न नहीं रखोगे, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का है, तो आपको एक इसका क्राइटेरिया लर्न करना है कि जो बिलो दी 17 ईयर्स, बिलो दी 17 ईयर्स, उसके लिए आपका फॉर्मूला रहेगा 2102. ये अपर जो और लोअर जो के लिए कॉमन रहेगा, और आपका 17 इयर्स ओल्ड के लिए फॉर्मूला रहेगा 2122. इज इट क्लियर? ये आपके लिए कंप्लीट लोअर और अपर जॉ के लिए रहेगा. तो यहां से आपको क्राइटेरिया लर्न रखना है कि अगर यहाँ पे 6 ईयर गिवन है तो आपको तब भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिलो द 17 ईयर. इज इट क्लियर? नाउ वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन फिफ्थ, विच सेल ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम. एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो लर्न रखना है, यहां किसके अंदर पूछा गया ये अरेंजमेंट, COL, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन. और क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन कहां प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट, एट द बेस ऑफ विलाय. दीज आर द क्रिप्ट्स. ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चे, क्रिप्ट्स, एंड यू कैन सी दैट क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन. तो यहां पर क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन के अंदर कौन से एंजाइम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो यहां पर आपकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी किसके अंदर आती है बच्चे, पेनिसिल. पेनिसिल क्या होता है, पेनिसिल प्रेजेंट जस्ट बिलो द COL, COL सेल के जस्ट नीचे, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, पेनेथ सेल. क्या प्रेजेंट होती है, पेनेथ सेल. अब ये जो पेनेथ सेल है बच्चे, ये यूनिसेलुलर है एंड दे सिक्रीट द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, दैट इज द नेम लाइसोजाइम. ओके, और किसके अंदर सिक्रीट करती है डियर स्टूडेंट, COL के अंदर. तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, पेनेथ सेल. अब आपका जो इनकरेक्ट हुआ है उसको कैसे एलिमिनेट कर रहे हो आप, जाइमोजन सेल. जाइमोजन सेल आपको लर्न होना चाहिए बच्चे, ये किसकी सेल है, स्टमक की सेल है. ये सेल किसकी है बच्चे, स्टमक की सेल है. ओके, कोफर सेल कहां प्रेजेंट होती है, लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है. आर्जिन एफिन सेल, आर्जिन एफिन सेल जो है बच्चे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है. तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका इसीलिए क्या जाता है, पेनिथ सेल जाता है. ओके, नाउ वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, विच हॉर्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट. पैनक्रिएटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट, कौन सा यहां पर हॉर्मोन, अभी मैंने आपको बताया था बच्चे हॉर्मोन, हॉर्मोन की अगर बात आती है तो पैनक्रिएटिक का कौन सा पोर्शन वर्क करेगा हॉर्मोन्स के लिए, एंडोक्राइन. इट मीन्स यहां पर क्या पूछा जा रहा है बच्चे, हॉर्मोन्स के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा हॉर्मोन स्टिमुलेट करेगा पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट को. तो यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लर्न करने वाली जो चीज है, आपको भी मैंने बताया था अल्फा बीटा एंड डेल्टा. एंडोक्राइन के अंदर कौन सा आता है, अल्फा बीटा डेल्टा एंड पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल. ये आपका कौन सा पोर्शन है पेनक्रियास का, एंडोक्राइन पोर्शन है. जो अल्फा होगा बच्चे आपका, अल्फा क्या सिक्रीट करेगा आपका, ग्लूकागन.
एंड बीटा क्या सिक्रीट करेगा बच्चे आपका? इंसुलिन। और डेल्टा क्या सिक्रीट करेगा बच्चे आपका? सोमेटोस्टैटिन। एंड पीपी सेल क्या सिक्रीट करेगा बच्चे आपका? पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इट मींस यहां पर ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहां पर इसने क्या पूछा? इसने एक वर्ड पूछा बच्चे, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट क्या होता है? ट्रिगर करना। कि यहां पर पेनक्रिएटिक जूस कैसे स्टिमुलेट होंगे, किस हार्मोन के ट्रिगर से? तो फर्स्ट आपका ये गलत हो गया, इसके अंदर भी इंसुलिन और गैस्ट्रिन ये आपका गलत होता है, क्योंकि गैस्ट्रिन आपका एक हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के लिए है। तो यहां पर आपका जो ए ऑप्शन है ये भी आपका गलत होता है। वो किस लिए गलत हो रहा है? यहाँ पर एपिनेफ्रिन एंड एंजियोटेंसिन, ये जो हार्मोन है बच्चे ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, इट मींस रिलेटेड टू द किडनी। ओके, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बचता है दैट इज कोसिस्टोकिनिन एंड सिक्रेटिन, एंड दिस हार्मोन सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टिनल। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम पोर्शन है बच्चे, वो पोर्शन आपका क्या सिक्रीट करेगा? कोसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन, ये जो हार्मोन है बच्चे ये स्टिमुलेट करेगा आपका बाइल जूस प्लस पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा प्लस बाइकार्बोनेट। इट मीन्स यहां पर जो स्टिमुलेशन है वो कौन सा हार्मोन कर रहा है? कोसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे, ये आपको लर्न रखना है। जब तक ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको रिलीज नहीं करेगी, तो यहां पर आपका जो बाइल जूस है और पैनक्रिएटिक जूस है ये सिक्रीशन नहीं देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था डियर स्टूडेंट। नाउ वी मूव ऑन अनदर। Now the seventh question is, which of the following guards opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? यहां पर क्या पूछा गया बच्चे? यहां पर hepatopancreatic duct की opening को कौन सी मसल्स गार्ड करती है? गार्ड का फंक्शन क्या होता है बच्चे? जैसे आप देखते हो कि स्कूल के बाहर गार्ड होता है, आपके घर के बाहर गार्ड होता है। गार्ड क्या करता है? रेगुलेशन को चेक करता है कि किसकी एंट्री है और किसकी एग्जिट है। तो यहां पर सेम आपको गार्ड के लिए देखना है। तो गार्ड में यहां पर कौन सी मसल या कौन सी वाल्व प्रेजेंट है, इसके लिए आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा बच्चे। कौन सा? लीवर का। तो यहां पर आप देखते हो बच्चे, ये आपका ड्यूओडेनम पोर्शन है, यू शेप। हेयर इज पेनक्रियास प्रेजेंट एंड हेयर इज डक्ट। दीज आर द डक्ट। डक्ट क्या होता है बच्चे? डक्ट इज ए ट्यूब जो कि कैरी करती है सिक्रीशन को। तो यहां पर ये आपको जो दो डक्ट अपीयर होते हैं, ये लीवर के दो डक्ट होते हैं बच्चे। एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, दो डक्ट आपको किस लिए अपीयर है? क्योंकि जो लीवर होता है आपका, लीवर दो लोब में प्रेजेंट होता है, राइट एंड लेफ्ट। तो यहां पर डक्ट भी क्या होंगे? दो। और लीवर के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? हिपैटिक। लीवर के लिए क्या वर्ड यूज होगा? हिपैटिक। तो लीवर के डक्ट का नाम क्या होगा? हिपैटिक डक्ट। और साइमल्टेनियसली बच्चे आपका यहां क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर। दिस इज गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का जो सिक्रेशन होगा डियर स्टूडेंट, ये जो डक्ट आपको अपीयर हो रहा है, तो इस डक्ट को हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। इट मींस यू कैन से दैट
duct of gallbladder is known as cystic duct and duct of liver is known as hepatic. अब ये जो आपका cystic और hepatic duct है, ये common duct के अंदर open होगा बच्चे. यहाँ पर हम draw करते हैं इस तरीके से. ये आपका common duct है, यहां से आपका gallbladder है, ये आपका liver. तो ये जो आपका common, इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट एंड यू कैन से दैट हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. ओके, तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है किसके अंदर बच्चे? ड्यूओडेनम. तो यहां पर ये पोर्शन आपका क्या है? ड्यूओडेनम. तो हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जब आपका ओपन होगा, पैनक्रियाटिक वर्ड इसलिए क्योंकि पैनक्रियास का सिक्रीशन इसके अंदर प्रेजेंट है, और हिपेटो वर्ड इसलिए क्योंकि इसके अंदर किस चीज का सिक्रीशन है? लीवर का. तो लीवर प्लस पैनक्रियास, ये आपका क्या प्रेजेंट है? पैनक्रियास. तो लीवर प्लस पैनक्रियास का सिक्रीशन कौन लेकर आता है? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, एंड इट ओपन इन टू ए कॉमन बाइल डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. इज इट क्लियर? तो मोस्ट करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर से. ये आपका नहीं आएगा. पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है बच्चे? स्टमक का पोर्शन होता है. जब स्टमक ड्यूओडेनम में ओपन होती है, उस टाइम पर जो मसल वर्क करती है उसका नाम होता है पाइलोरिक, क्योंकि पाइलोरिक पार्ट किसका होता है? स्टमक का पार्ट होता है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको लर्न रखना है. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई विच गार्ड द हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इन टू द ड्यूओडेनम पोर्शन. तो यहां से आपके दो तीन मल्टीपल क्वेश्चन बने हैं. एक क्वेश्चन आपका क्या राइज हुआ है? डक्ट ऑफ लीवर इज नोन एज हिपेटिक डक्ट. डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज सिस्टिक डक्ट. ओके, एंड डक्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट के लिए जो हम नाम जानते हैं वो क्या बन जाएगा आपका? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. तो यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहां से मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं. ओके, नाउ वी मूव ऑन अनदर. क्वेश्चन नंबर 8. द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप. यहां पर प्राइमरी से आपको क्या लर्न रखना है बच्चे? मैंने आपको डेंटिशन के लिए डेंटल फॉर्मूला बताया है. अभी डेंटिशन के लिए जो डेंटल फॉर्मूला है उसको दो पार्ट्स में हम करेंगे. एक है आपका प्राइमरी. प्राइमरी यू कैन से दैट मिल्क, मिल्क टिथ. एंड सेकेंड जो आपका बनता है परमानेंट, ऑल्सो नोन एज अडल्ट. अडल्ट टीथ के लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा बच्चे? 2 1 2 3, 2 1 2 3, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 2 से. तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर जो आपका 16 और 16 आपको ऑब्टेन होगा, आप उसको कैंसल आउट करते हो. ये कैंसल नहीं करना है डियर स्टूडेंट. यहां पर इस ऑब्लिक का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट है 16, ये आपके अपर जॉ में प्रेजेंट है, और 16 ही आपके किस में प्रेजेंट है? लोअर जॉ में. तो 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32. तो यहां पर आपका परमानेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? 2 1 2 3. ओके, तो यहां पर प्राइमरी जो मिल्क टिथ का फॉर्मूला बनता है, प्राइमरी और मिल्क टिथ का फॉर्मूला. तो यहां पर आपको पता है कि जो प्राइमरी टिथ अभी मैंने आपको बताया था ये कितने होते हैं? 20 होते हैं. तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 1 0 2 2 1 0 2, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट? 2 से. तो आपको क्या रिजल्ट ऑप्टेन होगा? 20. अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग. इनके अंदर आपका कौन सा टिथ अपियर नहीं होता प्राइमरी के अंदर? तो यहां पर क्या एबसेंट है बच्चे? प्राइमरी के अंदर क्या एबसेंट है डियर स्टूडेंट? पीएम, प्राइम प्री मोलर. प्राइमरी के अंदर क्या एब्सेंट है? प्री मोलर. वो कैसे? फर्स्ट आपका होता है इंसीजर, जो आपके फ्रंट के अंदर टिथ होते हैं. साइड में आपके होते हैं कैनाइंस, कैनाइंस, और ये होते हैं आपके प्री मोलर, और फोर्थ नंबर पर होता है मोलर.
तो यहाँ पर ये आपको रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से लर्न करनी है कि आपके चार टाइप के टिथ होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि डिफर किस लिए है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 20 है, बट यहाँ पर एक चीज एब्सेंट है, वो क्या है? प्रीमोलर। वो क्या एब्सेंट है डियर स्टूडेंट? प्रीमोलर। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? प्रीमोलर। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ डेंटल फॉर्मूला। नाउ वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी? वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी? तो बच्चे ये यहाँ पर आपको लोकेशन लर्न रखनी है कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम सिम्बायोटिक को लर्न करते हैं। वट इज मेन सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक क्या है बच्चे? म्यूचुअल। सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी के अंदर सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ओके? तो यहां पर म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे है बच्चे? ह्यूमन बॉडी प्लस बैक्टीरिया के अंदर जो रिलेशनशिप है वो यहां पर क्या बन गई? सिम्बायोटिक। इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कि फंगी प्लस एल्गी। ये आपका चैप्टर 11th के अंदर जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां पर हम पढ़ेंगे। तो यहां पर भी क्या है? रिलेशनशिप है। तो यहां से आपको क्या लर्न रखना है बच्चे? सिम्बायोटिक के अंदर से, सिम्बायोटिक से आपको लर्न रखना है डियर स्टूडेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? एक ऑर्गेनिज्म हेल्प करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म की, ओके? तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी वो किस तरह की रिलेशनशिप होगी? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। इज इट क्लियर? तो यहां पर वो ऑर्गेनिज्म कहां प्रेजेंट होंगे? सीकम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इन टू द सीकम। ओके, दिस इज सीकम। तो सीकम यहां पर क्या है? होस्ट है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चे, यहां पर होस्ट कौन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए? तो दैट इज सीकम। अगर सीकम आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा, बिकॉज सीकम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? इट मीन्स यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका? सीकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं हो सकता, रेक्टम भी नहीं है बच्चे, डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और ओरल लाइनिंग आपका टंग सरफेस, ये आपकी बकल कैविटी के अंदर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट? सीकम होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी मून 10th क्वेश्चन फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टिडेज, दैट इज द सफिक्स यूज फॉर द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये क्या है बच्चे? एक एंजाइम है। तो इस कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए कौन सा एलिमेंट हेल्पफुल होता है? तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जिंक। अब जिंक कैसे है बच्चे? ये आपका एक मेटल आयन कोफैक्टर है। जिंक क्या करता है बच्चे? कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और इसको कैसा मीडियम प्रोवाइड करेगा? इट सर्वाइव इन एल्केलाइन, ओके? तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम सिक्रेटेड बाय पेनक्रिएटिक जूस। तो यहां से आपका मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है बच्चे। पेनक्रिएटिक जूस के अंदर आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये एंजाइम किस चीज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स।
proteins, peptones, protease. Okay, it means protein के digestions के लिए ये enzyme responsible होता है और ये secreted कहाँ से होता है? Pancreatic juice के अंदर ये secrete होता है. इसको activate करने के लिए zinc responsible होता है. वो इसीलिए क्योंकि इसको ये कौन सा medium के अंदर survival देता है? Alkaline. क्यों बोला बच्चे मैंने यहाँ पर alkaline? आपको पता होना चाहिए pancreatic juice का pH क्या होता है? Alkaline होता है. क्या होता है बच्चे इसका? एल के लाइन होगा. ओके, तो आज के लिए इतना. थैंक यू एवरीवन.